हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी फालूदा। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है और मैं ये 1 कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ। मिल्क पाउडर को हम दूध में डाल के उसे अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट बॉईल करेंगे, दूध जो है हमारा जो है वो एकदम गाढ़ा होने लगेगा। देखिए दूध एकदम गाढ़ा होने लगा है, इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, हमें स्टॉप नहीं करना है। हमें मिल्क पाउडर डालने के बाद हम कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें चॉप ड्राई फ्रूट्स और ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आप पिस्ता के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हैं इसमें। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे हम कंटिन्यू मिलाते रहेंगे। अब मैं यहाँ पर लगभग 1/2 कप जो है वो चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद हम इसे मिल्क को अच्छे तरीके से मिलाएंगे और एकदम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, जिससे ये एकदम ही गाढ़ा हो जाएगा। और हमारा देखिए कुल्फ़ी बनने के लिए मिक्सचर जो है एकदम रेडी हो गया है। कितना गाढ़ा है और बहुत ही काफ़ी अच्छा टेस्ट इसमें है। मैंने देखिए इसे ग्लास में निकाल लिया है। अब मैं इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में डालकर छोड़ देंगे। और बाकी जो मिक्सचर बचा हुआ था मैं इसमें 3 से 4 चम्मच रोज़ सिरप डाल रही हूँ, गुलाब का शरबत। एकदम ही इसका कलर जो एकदम पिंक पिंक आएगा और इसका फ्लेवर भी एकदम अलग रहेगा। इसमें रोज़ सिरप डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हमें हल्के हाथों से इसे मिलाना है। ये देखिए अब हमारा मिक्सचर जो है वो बनकर रेडी है। इसे हम आधे ग्लास में निकाल लेंगे और आधा मिक्सचर हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखेंगे आधे जमने के लिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ग्लास लिया है। ग्लास में 2 से 3 चम्मच में गुलाब का शरबत डालूँगी नीचे बेस में। इसे हम चारों तरफ अच्छे से ग्लास में फैला लेंगे। आप ग्लास के क्या कॉर्नर कॉर्नर पर भी गिरा सकते हैं। मैंने इसमें डायरेक्ट नीचे बेस में डाला है। अब हमने जो आधा जो मिक्सचर है ऐसे ही फ्रिज में रखा था ठंडा के लिए, वो मिक्सचर डालेंगे ग्लास में। इसे हम आधा मतलब 1.5 कप जो है वो मिक्सचर ग्लास में डालेंगे। मैंने यहाँ पे सब्जा जो है वो पानी में भिगा के रखा था। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो सब्जा डालूँगी। और यहाँ पे देखिए ये कुल्फ़ी जो हमारा जो एकदम बन के रेडी है। एक प्लेन कुल्फ़ी है और एक ये गुलाब शरब वाला कुल्फ़ी है। मैं उसे बर्तन में निकाल लूँगी। इसे हम चाकू से अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। दोनों कुल्फ़ी को हम अच्छे तरीके से कट करके रख लेंगे। अब हमने जिसमें ग्लास में सब्जा डाला था उसमें हम ये कुल्फ़ी डालेंगे। दोनों ही कुल्फ़ी जो है हम इसे डालकर इसे अच्छे तरीके से सर्व करेंगे। इसके ऊपर आप अब रियल फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। मैंने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले हैं और आपको ज़रूरत पड़े तो आप ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।